नेजी भड़के साई केतन राव के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सना सुल्तान का जब एविक्शन हो रहा था तो वहाँ पर साई केतन और सना सुल्तान के बीच में बिल्कुल भी अच्छा बॉन्डिंग देखने को नहीं मिला और इसी से नेजी काफ़ी भड़के हुए साई केतन के ऊपर। यहाँ पर नेजी का कहना है कि जब सना सुल्तान घर से बाहर जा रही थी एविक्ट होने के बाद, तो तू सना सुल्तान से मिला, वो तेरी दोस्त है ना, तू उससे मिला पर तेरे में कोई भी इमोशंस देखने को नहीं मिला, तू बिल्कुल कोल्ड नज़र आ रहा था, तुझे बिल्कुल देखकर लगा ही नहीं कि तेरी कोई दोस्त एविक्ट हो गई है, ना तो थोड़े इमोशंस दिखे, ना ही तूने उससे कुछ अच्छे से बोला और ना उसे अच्छे से बात किया। और मुझे ऐसा लगता है साई कि तेरा ये जो बिहेवियर है ना, इसके पीछे अरमान मलिक का हाथ है। तू अरमान के साथ रह रह के अपने दोस्तों को ही भूल गया है और अपने दोस्तों से ही मुंह मोड़ लिया है। और इसी वजह से जब तेरी इतनी अच्छी दोस्त, जो कि सना सुल्तान मेरी भी दोस्त थी, ऐसा सनी जी ने कहा कि तेरी इतनी अच्छी दोस्त थी सना सुल्तान, तो उसके साथ बैठता उठता सब कुछ करता था, पर जब वो घर से एविक्ट हो रही थी, तेरा शक्ल देख के तो बिल्कुल लग रहा था तू बिल्कुल कोल्ड है, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर साई केतन राव का कहना था कि ऐसा कोई बात नहीं है, अरमान के साथ बैठ बैठ कर मैं ऐसा नहीं हो गया हूँ, एक्चुअली पता नहीं क्यों वो मेरे से गुस्सा थी और मैं उसे पूछ रहा था कि क्यों गुस्सा है बताना बताना, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, पता नहीं वो ऐसा बिहेव क्यों की मेरे साथ और ऐसे ही गुस्सा के वो घर से बाहर भी चली गई। तूने तो देखा ही होगा कि जब वो अंदर बैग लेने जा रही थी तो मैं उसके पीछे पीछे भी गया था और वहाँ जाकर मैं उसे बोला भी कि क्या हुआ सना, तू मेरे से गुस्सा है क्या, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और इसलिए मैं उससे गले नहीं मिला ना। इसके साथ यहाँ पर साई केतन ने बताया कि अगर मैं उसे गले मिलता और थोड़ा आंसू आंसू बहाता तो बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ता, पब्लिक को ऐसा लगता कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है और इसलिए ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे, एविक्ट हो गई सना सुल्तान तो उसको गले लगा रहा, उसके लिए रो रहा, मतलब कि इनके बीच कोई लव वाला एंगल चल रहा है, ऐसा पब्लिक एक क्या बोलते एक ट्रेंड बना देती। और इसलिए मैंने सना सुल्तान जब एविक्ट हुई थी तो उतना इमोशंस नहीं दिखाया, ये कहना है साई केतन का। पर यहाँ पर नेजी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए नज़र आए और वो एक ही चीज़ बोले कि देख साई, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि तू ऐसा कुछ करेगा, सना तेरी दोस्त थी, वो निकल रही थी तो थोड़ा तो आना ही चाहिए था तेरे को इमोशंस। मैं नहीं बोल रहा कि तू रोता नहीं पर कम से कम कुछ तो दिखना चाहिए तेरे शक्ल पे ना, पर देख कर तो ऐसा लग रहा है तुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो और ऐसा तू इसलिए हो गया ना क्योंकि तू अरमान मलिक के साथ उठता बैठता है और उसने ही तेरे को ऐसा बना दिया है। ये कुछ कहना था नेजी का। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या साई केतन अरमान मलिक के साथ रह रहकर बिल्कुल गेम माइंडेड बन गए हैं और उनको अपने दोस्त यार किसी से मतलब नहीं रह गया है? इस पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा।